नमस्कार, मैं डॉक्टर शोखाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। प्यारे छात्रों, आज हमारे टॉपिक का विषय है 1857 के विद्रोह का स्वरूप। जैसा कि हम सबको पता है कि 1857 में भारत में एक व्यापक स्तर पर एक विद्रोह हुआ और इस विद्रोह ने न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत के भी पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर और कर्नाटक के क्षेत्रों तक अपना विस्तार पाया। अर्थात हम कहें कि दक्षिण में केवल और केवल मद्रास रेजिडेंसी को छोड़ करके लगभग समस्त भारत में इसका विस्तार था। उत्तर में केवल एक पंजाब प्रांत को छोड़ करके, पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में इस विद्रोह का विस्तार था, लेकिन अधिकतर पंजाब जो था, अभी अभी जिसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य हुआ था, वहाँ ये विद्रोह जो था वो ना के बराबर था। और पंजाब की फौज ने, पंजाब के सिपाहियों ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। विद्रोह बड़ा व्यापक था। विद्रोह की शुरुआत सैनिकों से हुई। सैनिकों के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ की छावनी से की गई और तत्पश्चात ये संपूर्ण उत्तर भारत में फैला। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इस विद्रोह का आखिर नेचर क्या था, स्वरूप क्या था, किस प्रकार का विद्रोह था, क्योंकि अधिकतर ब्रिटिश लेखक जो हैं, जिनमें लॉरेंस, मैलिसन, सीले, ट्रेविलियन के इत्यादि राइटर्स हैं, ब्रिटिश राइटर्स, ये इस विद्रोह का की नेचर को, इसके स्वरूप को एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि L.E.R. रीज, ये भी एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, इन्होंने भी इस विद्रोह को धार्मिक विद्रोह का नाम दिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने इसको एक जातीय संघर्ष की संज्ञा दी है। उनका ये कहना है कि काले और गोरों के बीच का एक युद्ध था, एक संघर्ष था, एक द्वंद्व था, और गोरों के विरुद्ध कालों ने एक विद्रोह किया। लेकिन ये भी बात सत्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काले जो थे गोरों के साथ थे और गोरों को बचाने में इन कालों ने बहुत मदद की थी। हाँ, ये अलग बात है कि विद्रोह करने वाले जो थे वो काले थे, लेकिन बहुत सारे काले लोग या काले लोगों की मदद से ही गोरों ने इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। नेक्स्ट विचार जो है ये है कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। ये टी आर होम्स एक इतिहासकार है, उनकी उनका दिया हुआ एक मत है कि बर्बरता और सभ्यता, यानी ईसाइयत और गैर ईसाइयत ने मिलकर के ये एक युद्ध लड़ा था। और अगला मत जो है वो जेम्स आउट्रम का है, जो ये कहते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र था, जो ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध था, अंग्रेजों के विरुद्ध था, ईसाइयत के विरुद्ध था। लेकिन ऐसा षड्यंत्र भी इस युद्ध में या इस विद्रोह में नहीं दिखाई देता। डिजेली जो है वो इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं कि इसका नेचर जो था नेशनल था और राष्ट्रीय जैसी कुछ बातें इसमें हमें दिखाई देती हैं। ये मत डिजेली का था। अशोक मेहता और ब्रिटिश सावरकर, जो कि नेचर से एक राष्ट्रीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उनका दृष्टिकोण रहा है, उन्होंने कहा, पहली बार कहा है कि ये सुनियोजित राष्ट्रीय युद्ध था। लेकिन इसके विपरीत आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, जो कि भारतीय लेखक थे, जो पहले सरकार ने इनको इतिहास लिखने के लिए अपॉइंट किया, लेकिन इतिहास लेखन समिति के साथ में इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, उनके साथ मतभेद हो गए, जिसकी वजह से यह अपनी रिपोर्ट सरकार को तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से ये इतिहास लिखा। तो आरसी मजूमदार ने कहा कि ये विद्रोह न तो प्रथम था
न राष्ट्रीय था और न स्वतंत्रता का युद्ध था। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है मजुमदार का कि ये पहला विद्रोह नहीं था, इससे पूर्व में भी बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे। 1806 का वेल्लोर का विद्रोह है, और इससे पहले 1864 में वेल्लोर, 1764 के अंदर आप देख रहे हैं कि बक्सर के युद्ध के समय में बहुत सारे अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाही जो है वो मीर कासिम के साथ आकर के मिल गए थे। इस प्रकार बर्मा युद्ध में भेजे गए सिपाही ने विद्रोह कर दिया था। अफगान युद्ध में भेजे गए विद्रोह में बहुत असंतोष था। तो ये पहला विद्रोह नहीं था, न राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय स्वरूप या नेचर जो है इसके लिए नहीं दिखाई देती। बहुत सारे भागों में ये नहीं फैला, बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग नहीं दिया। अधिकतर जो लोग थे वो सिपाही थे, किसान थे, मजदूर थे, सामंत थे, जागीरदार थे, और इनमें भी वही लोग थे जो पीड़ित थे। बहुत सारे जागीरदारों ने, सामंतों ने, राजाओं ने और शासकों ने जो अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए इसका नेचर भी राष्ट्रीय नहीं कह सकते। न स्वतंत्रता का युद्ध था, मजुमदार ने कहा कि न प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता का युद्ध। अर्थात कहना चाहिए कि विद्रोहियों में एकता बनाने का एकमात्र जो साधन था वो था अंग्रेजी राज के प्रति घृणा का भाव, और वो सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ से हटाना चाहते थे। इसके बाद में वो यथास्थिति को बनाए रखना चाहते थे। तो आज़ादी जैसी कोई बात इस युद्ध में दिखाई नहीं देती है। इसके बाद एहसन सैन, जिन्होंने 1857 नामक एक पुस्तक लिखी थी, ये एक अंग्रेजी, ये कहना चाहिए सरकारी इतिहासकार थे, सरकार ने इनको अपॉइंट किया था, सरकार के आदेश पर इन्होंने अपना इतिहास 1857 में लिखा था। एहसन सैन का कहना है कि ये प्रारंभ तो सैनिक विद्रोह से हुआ और इसका अंत जो था राष्ट्रीय युद्ध के रूप में हुआ। तो ये काफ़ी कुछ एक बैलेंस कहना चाहिए कि एक विचार इसमें दिखाई देता है हमें। लेकिन इसके अलावा जब हम अगर अंतिम रूप से अगर बात करें तो वो बात है एक अंग्रेजी इतिहासकार की, जो ये कहते हैं कि इट वॉज मोर देन ए म्यूटिनी, ये सिपाही विद्रोह म्यूटिनी से कुछ ज़्यादा था। येट मच लेस देन ए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध से ये कुछ कम था, काफ़ी कम था। तो ये इस विद्रोह के स्वरूप को हम फाइनली जो है ऐसा मान सकते हैं कि स्टैनली वॉलपोर्ट जो है जो बात कह रहे हैं, इस बात से हमें सहमत होना चाहिए कि ये सिपाही म्यूटिनी, ये सिपाही विद्रोह से काफ़ी ज़्यादा और स्वतंत्रता के संग्राम से कुछ कम था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 1857 के विद्रोह की नेचर या उसका स्वरूप था। इस पर हमने बात की। थैंक यू।